को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार, मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को खास प्रणाम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से, तो अब फटाफट से होती हूँ मैं ड्यूटी के लिए तैयार और जा रही हूँ। आज मेरी फ्रेंड ना मुझे हॉस्पिटल में ही मिलूंगी कह रही थी, क्योंकि वो किसी पेशेंट को लेके आ रही है, तो यहाँ से आज मैंने अकेले जाने हैं। फटाफट से जाती हूँ मैं भी और वहीं मिलते हैं आप लोगों से। तो आज आ रही है मेरी काजल। अभी मैंने फ़ोन किया तो कह रही थी मम्मा तीन धारा पहुंच गई हूँ करके, और तो बहुत खुशी हो रही है। सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी ऑफिस से घर आ जाऊँ आज, ताकि काजल से मिल पाऊँ करके, क्योंकि ना जब बच्चे आते हैं उस समय अगर मम्मी साथ में होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो साथियों अभी बनाती हूँ फटाफट से बाल, फिर है ड्यूटी जाने की तैयारी। और ना आजकल हीटर को छोड़ने को मन ही नहीं कर रहा, इतना ठंडा हो रहा है, जाने जाने तक भी यहाँ पे ना पूरा। अब हमारा हो गया है टी टाइम और सब लोग पी रहे हैं अभी चाय, तो साथ में ना चाय पीने का आनंद ही कुछ और है। अभी सब लोग आ गए हैं नीचे से, मंजू जी और हमारे सर लोग। अभी हम सब पी रहे हैं चाय, अब सब साथ में चाय मैंने बनाई और बांटने की बारी है हमारी अनुजा मैम की। और जितना छिल रखा है ना, हाँ अदरक जो है हमारी बिमला सिस्टर ने छिला। और सूरज वो छिपा है पेड़ के पीछे। वाओ सेट भी होने वाला है थोड़ी देर में। हम सब लोग अब घर को जाने लगे, आज तो एक संयोग ही बन गया हम सबका साथ जाने का। नहीं तो मंजू सिस के साथ हम कभी कभी जाते थे ना, 3 बजे आ जाते थे, तो आज हमारे हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम था तो ये देर तक रहे। तो अब हम ना थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, मंजू सिस ने करनी है कुछ शॉपिंग। बैठो फिर से बन जाते हैं बच्चे। अभी हम लोग बैठ गए गाड़ी में और सबको मिल गई गाड़ी, मेरे सारे फ्रेंड लोग, सबके मुंह में है मुस्कान, सब एक साथ। मुस्कान मुंह पे होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए मुंह में, जो अपने हाथ में अकेले लेके बैठी हो। नहीं मैं अकेले खाऊंगी इसको। अरे नहीं है, मैं तो यार इसे ले लूंगा। अभी हम आ गए हैं एक शॉप पे और यहाँ से देख रहे हैं कि किसको क्या पसंद आता है। बिमला जी को ब्लाउज पसंद आ गया है, पुष्पा जी ले लो अपने लिए। और नहीं बेटी जैसे साड़ी चुन्नी पहन के आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये हाथ को ज्यादा ही छोड़ी नहीं है। तो साथियों आज ना मेरे दो के दो बच्चे आए हैं, मेरी वैशाली मेरी काजल। मैं इतनी खुश हूँ क्या बताऊँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे ना एक साथ आए हैं। नहीं तो वैशाली तो 1 साल से आ रही है आज, मतलब इतनी याद आती थी, तो दो के दो घुघुतियाँ मनाने के लिए आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। और बच्चों मेरी यूट्यूब फैमिली को भी प्रणाम कर दो। छोटा के मैं पहला नाना के ढेर सार प्यार, धन्यवाद आप सब को। कल तक मम्मी यूट्यूब चैनल में आप सब बड़ी रचा खूब साथ दिन था। हेलो काजल को ना उल्टियाँ हुई है, वह तो बहुत ही कमज़ोर हुई है, दिख तो नहीं रही।
तुरे परुली बानी लगी छी तुरे बानी लगी छी तुरे परुली बानी लगी छी तुरे आम की डाई मा काफल की डाई मा। बच्चे घर आए ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ना लड़के तो कमी बोलते हैं, भानु तो बोलता कमी है। तो वैशाली और काजल आ गई थी ना, एक रौनक जैसी आ गई घर में। और कितना बोलूं हो रही है मुझे, क्या क्या पूछूं, मतलब एक सरप्राइज हूँ मैं, मतलब इतनी खुश हूँ। क्या क्या खाया था तुमने खाने में वहाँ रास्ते में? आलू के पराठे, छोले और चाय। चाय काजल ने भी खाया कुछ? हाँ, थोड़ा सा खाया, रायता खाया उसने, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, उसको उल्टियाँ हो रही थी। अच्छी है खातिर मेरी है, पक्की पिनाओ, पक्की पिनाओ। और सब ठीक ठाक, सब बढ़िया? कितनी आई हो छुट्टी? मैं तो आई हूँ अभी एक डेढ़ महीना, शादियाँ हैं तो शादियों तक रुकूंगी, फिर देखती हूँ, लैपटॉप पकड़ के कहीं भी बैठ जाऊँगी। और काजल कितनी आई है वो? एक महीना आई है। चल कल से तू धूप में बैठेगी, फिर ठीक हो जाती, अभी ज़्यादा देर में ठीक हो जाती। मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ कड़ाकेदार। चाय नहीं पीती? थोड़ा एक घूट पिएगी। और नीचे से दीदी लोगों को भी बुलाती हूँ, उनको भी हुई है, फिर कल को जा रही हूँ अभी देहरादून, तो दीदी लोगों को भी बुलाते हैं और थोड़ा सा माहौल बनाते हैं हंसी मजाक का, हैं? चल ठीक हो जाएगा मेरा भाभी। मेरा बच्चा क्या हुआ, कैसा पूरा मुँह उतर गया रे मेरे भाव का, तो ठीक हो जाएगा यार। पता है हम जब कहते हैं ना हम बीमार हैं बीमार हैं, तो हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। हमें कहना है कि हमें कुछ भी नहीं हुआ है, हम स्ट्रांग हैं, और ये तो होता रहता है करके तो चुटकियों में सारा हो जाता है। कोई इंसान मर रहा होगा, आखिरी सांस ले रहा होगा, बोल कर नहीं मैं तो जिंदा हो रहा हूँ, तो जिंदा हो रहा हूँ भाई। तैयारी कर क्या करना है? हाँ, डांस की तैयारी करनी है, शादियाँ हैं तो। अच्छा, डांस करोगी मतलब? मुझे भी सिखाओगी फिर? एक हम तीन जने साथ में करेंगे। बिल्कुल। हाँ यो, अब तो रौनक आ गई है, बच्चे आ गए हैं, और काजल का नाम तो तहलका है हिंदी है। अब कल से बिल्कुल हल्ला गुल्ला घर में, जो बिल्कुल एक एक चिड़िया भी उड़ती थी तो वो भी पता लग जाता था, बिल्कुल एक चिड़िया उड़ने का भी शोर घर में नहीं होता था। अब बिल्कुल बच्चों के शोरगुल से पूरा घर गूंजेगा, और बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। ना आए हैं बच्चे घर, तो भरा भरा लग रहा है घर, अभी सब लोग पी रहे हैं चाय। ममता, ममता की सिस्टर हमारी, काजू और वैशाली ऊपर कर सर। दोस्तों हमने खाना खा लिया है, और इसी के साथ करते हैं मम्मा का व्लॉग एंड। होप आप सभी को ये व्लॉग पसंद आए, अगर आपको पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे आप एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।